ध्यान से देखो, लाइक ऑपरेटर क्या होता है? लाइक ऑपरेटर होता है ना पैटर्न मैचिंग, मतलब जैसे मुझे जे से स्टार्ट होने वाले सिटी, जैसे जयपुर जोधपुर है ना, जे से स्टार्ट होने वाले सारे सिटी के रिकॉर्ड दिखाओ। हम उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? वेयर सिटी लाइक जे, फिर परसेंट का साइन। यहाँ पे जैसे है कि उनका वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नाम ए जे से शुरू हो रहा है, अजय अजीत है, ठीक है। जितने मैच होने चाहिए शुरू। आगे ध्यान से सुनने, अब उन सारे रिकॉर्ड को दिखाओ जिनकी ज्वाइनिंग 2022 में हुई थी। तो अच्छा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो ऐसे लिखा रहेगा ना, 1 जनवरी 2022 ऐसे लिखा रहेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इधर परसेंटेज लगा देंगे लास्ट में, जहाँ 22 हो, तो ठीक है। तो हाँ, 2022 ईयर में जितने हायरिंग हुई थी सब दिखा देगा। सुनाई बात, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लाइक 2023 में जितनी हायरिंग हुई वो दिखाओ। तो अपन क्या लिख देंगे, तो परसेंट सुनवा रहे। अब आगे देखो, जिसके नाम में एन आ रहा है या जिन सिटी के लास्ट में आर आ रहा हो, जैसे जयपुर जोधपुर उदयपुर रायपुर आर आ रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसे लिख देंगे लाइक, है ना, सिटी लाइक कुछ परसेंट आर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सेकेंड अल्फाबेट ए होना चाहिए, तो अंडरस्कोर ए फिर परसेंट का साइन, मतलब फर्स्ट कुछ भी होगा कैरेक्टर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सिंगल अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट कुछ भी हो, सेकेंड अल्फाबेट ए होना चाहिए, फिर कुछ भी हो, क्लियर है। सेकेंड लास्ट अल्फाबेट ए हो तो स्टार्टिंग में परसेंट, फिर ए, फिर अंडरस्कोर। तो ये हो गया सेकेंड लास्ट अल्फाबेट ए हो। यहां तक कहानी क्लियर है? आगे देखो, थर्ड लास्ट अल्फाबेट डी हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, परसेंट डी, दो अंडरस्कोर। तो हो गया, आ गया समझ में? फिल्टर करना आ गया ना, लाइक ऑपरेटर यूज करना आ गया। अब देखो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, असेंडिंग के लिए ASC और डिसेंडिंग के लिए DESC होता है कीवर्ड। असेंडिंग ऑप्शनल होता है, देना जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ही करेगा। अब इसके लिए कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, ऑर्डर बाई क्लॉज। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाई क्लॉज। हमें नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि जिनका अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ऐसे नेम हो, है ना, उस हिसाब से अरेंज करके दिखा दो, या सैलरी के हिसाब से अरेंज करके दिखा दो, जिनकी सैलरी सबसे है कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, या उल्टा करना हो कि जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, है ना। तो या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग। यदि हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे इंक्रीमेंट ऑर्डर में तो असेंडिंग, और डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाएंगे तो समझ आ गया, A to Z, Z to A। देख लो, जैसे सैलरी के हिसाब से हायर ऑर्डर में जाना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी, लोअर ऑर्डर में जाना है तो सैलरी डिसेंडिंग, सिटी लोअर ऑर्डर में जाना है तो, ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग और सिटी असेंडिंग। सपोज किसी की सैलरी सेम है, मान लिया 35-35 हज़ार है, पहले किसको दिखाएंगे, तो अल्फाबेटिकली सिटी जिसकी हायर ऑर्डर आती होगी। ऐसे हम कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। लिमिट, लिमिट का मतलब हमें
कुछ एक रिकॉर्ड देखने हैं, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 2, टॉप 3, उसके लिए क्या लगाते हैं, लिमिट। जैसे ऊपर के 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डीएमपी लिमिट 5, ऊपर के 5 दिखा देगा। अब हम चाहते हैं कि 5 हाईएस्ट सैलरी पेड इंप्लॉय को बताओ, तो हमें स्टार्टिंग क्या करना पड़ेगा, पहले सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर लिमिट लगाएंगे। क्लियर है? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 5। क्लियर है ना? अब 5 हाईएस्ट को छोड़ के अगले 5 को दिखाओ, 5 हाईएस्ट को छोड़ दो, फिर अगले जो 5 हाईएस्ट है उनका दिखाओ। कैसे करोगे? ऑफसेट, यदि स्किप करना है तो ऑफसेट। देखो ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 5 ऑफसेट 3, 3 को छोड़ दो, यहां भी 5 लिख देना, तो 5 छोड़ करके 5 दिखाएगा। क्लियर है? ये तरीका इतना कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे एग्रीगेट। कुछ नहीं, वैसे लिखना फील्ड आगे प्रेस में लिख लगाएंगे। या तो वन जनवरी को सारे भी लिख दे, 7 जनवरी हाँ जो को सारे ठीक है, भी लिख वो लाइट में थोड़ी ना होगा, वो तो वेयर में लगा देना। करके हाँ लाइट में तो सीधा वो लग जाएगा ना जो मैंने बताया, देख करना, देख लेंगे। हाँ अब देखो एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है, एग्रीगेशन क्या होता है, मीन मैक्स मीडियन ये सब निकालना, फंक्शन आएगा बना बनाया, है ना। जैसे हमें टोटल रिकॉर्ड कितने काउंट करने हैं, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है, फिर अलियासिंग करनी हो कर देना, फ्रॉम बता देगा 8 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, कितने हैं, और उसकी हेडिंग में दे देगा ये, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी निकालना हो क्या लिखेंगे, मैक्स सैल, लोएस्ट सैलरी निकालना हो क्या लिखेंगे, मीन सैल, ठीक है। अब उसके बाद नेस्टेड क्वेरी, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी चलाना है ना। इसकी रिक्वायरमेंट कब होगी, जैसे मान लिया जॉन की सैलरी से जिनकी सैलरी ज्यादा है उनका रिकॉर्ड दिखाओ, जॉन की सैलरी कितनी है मुझे नहीं पता, जॉन की सैलरी से जिनकी सैलरी ज्यादा है उनका रिकॉर्ड दिखाओ, है ना। तो क्या लिखोगे, पहले ये लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम जॉन, है ना। तो इसकी सैलरी निकली, अब इसकी सैलरी से जिनकी सैलरी ज्यादा है तो ग्रेटर देन सैलरी वेयर, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन किसका, जॉन की सैलरी। ये हो गया नेस्टेड क्वेरी, बता, ठीक है ना, क्वेरी के अंदर क्वेरी है ना। तो बाहर वाली का ये जो यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा वेयर वाला, वो अंदर से उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जॉन तो पता है, पीटर तो पता है, पर इसकी सैलरी नहीं पता, इसकी सैलरी उठानी पड़ेगी ना। तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, हाँ पीटर, उसकी सैलरी मिला, अब इसकी सैलरी से जिसका ज्यादा होगा सैलरी उनको दिखा देगा, बोलो सही। अब ये देखना थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो तो एक तो तरीका है ऐसे, सेलेक्ट हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, है ना, सैलरी लेस देन हाईएस्ट सैलरी, जो हाईएस्ट सैलरी होगा उसे जितने होंगे सैलरी वो, और उसमें से जो हाईएस्ट होगा आगे सेकेंड हाईएस्ट। लेकिन अब मुझे यदि इसमें थर्ड हाईएस्ट निकालना हो तो सेकेंडरी एक और लगाना पड़ेगा, और 10th हाईएस्ट निकालना हो तो 10 बार नेस्टिंग करनी पड़ेगी, 10 बार नेस्टिंग करना पड़ेगा ना, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, उसका अदर ऑप्शन देखो बेटर ये है, सेलेक्ट स्टार
ठीक है, ये वही पीस वाला है, एलबी कर सकते हो, सेलेक्ट है ना ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम, ठीक है ना, कैसे करोगे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम इम्प्लॉय ऑर्डर वाइज सैलरी डिसेंडिंग लिमिट टू, स्टार्टिंग में क्या करेगा, सैलरी जो है वो सॉर्टिंग कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें से दो आएगा है ना, कितने मिले अपने पास, हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट, दो मिलेंगे, ठीक है। अब इसको एज अ टेम्पररी हमने डिनोट कर लिया एज अ एबीसी, क्या कर लिया, तो इससे जो आउटपुट आएगा ना अंदर मेमोरी में उससे हम एबीसी में रख लिए, किसमें रख लिए, ठीक है, तो सैलरी का अकॉर्डिंग जाएंगे बाद में, तो हाँ हाईएस्ट आ रहा है फिर सेकेंड हाईएस्ट आ रहा है, अब इसको उलट दो, उलट देने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर बाई सैलरी है ना, ठीक है, असेंडिंग, ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग, तो फिर क्या हुआ, सेकेंड हाईएस्ट ऊपर चला गया और हाईएस्ट नीचे आ गया, अब सिर्फ ऊपर वाला रखना है तो क्या करेंगे, लिमिट वन ले लिया, लिमिट वन, समझ आया, इससे एक बार ध्यान से देखो दोबारा, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट टू, तो दो मिला हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट, अब उसको फिर हम लिमिट ये उसको फिर असेंडिंग में कर देंगे, किसमें कर देंगे, असेंडिंग में, तो क्या हुआ, सेकेंड हाईएस्ट ऊपर चला गया और कर देंगे लिमिट वन, तो सिर्फ हमें क्या मिल गया ऊपर वाला सेकेंड, एक और तरीका है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई, ठीक है, सैलरी डिसेंडिंग लिमिट वन ऑफसेट वन, हो गया ना, हाँ अरे भाई इससे क्या हुआ, दो मिला हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी, दो मिलेगा, ठीक है, उसमें से हम है ना ऊपर का एक छोड़ करके और एक उठा लेंगे, हो गया ना सेकंड हाई, ऐसे थर्ड हाई उठाना तो क्या करेंगे, हाँ लिमिट वन ऑफसेट, क्लियर है, ऐसे इसमें तीन है ना तरीका है अभी क्वेश्चन करने, ठीक है, 25 है कल, ठीक है, चलो इतना करो, ग्रुप वाइज कल पढ़ेंगे।